तो अभी तो जा रहे हैं हम सबसे पहले सर्विस करवाने बाइक का, और अभी उसको उधर पूरा काट के चांपती है वैगनार वाला। यही है दोनार का सीन, और दोनार में ये बना हुआ है ना राइट में पंडाल जो लगा हुआ है वही है। अभी हो गया है मेरा पूरा गाड़ी का सर्विस कंप्लीट, लेकिन वहाँ पे जो बाइक वॉश किया और यहाँ पे पुलिस पकड़ लिया है बहुत आदमी को, दो आदमी को तो ऐसे पकड़ रहा है, पकड़ते रहिए सबको। अब ये ठीक लग रहा है तुम दोस्त क्या लौंडे? तो अभी तो जा रहे हैं हम सबसे पहले सर्विस करवाने बाइक का, और एक आज रैम निकाले हैं ये लैपटॉप का, तो वो अनुराग को देना है, पता नहीं क्यों मांग रहा था, मेरे पास पुराना लैपटॉप था उसी का निकाले हैं, तो ये इसको दे देना है। और अभी हेलमेट का सेटअप पूरा कंप्लीट किया वहाँ पे, वो जो कल जो निकाले हुए थे कुशन वगैरह उसका अंदर का, वो सारा कुछ अभी सही किए हैं अच्छे से, और सही भी था क्योंकि गर्मी इतना था कि पसीना 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 होकर पूरा एकदम गंदा हो रखा था, तो इस कारण से भी ज़रूरत था उसको सही करने का। तो भाई अभी निकलते हैं सर्विस करवाने के लिए, भाई कठलवाड़ी पे जाना है, फिर वहाँ पे कुछ अगर सामान लेना होगा तो फिर लेके जाना पड़ेगा, पहले सामान ले लेंगे उसके बाद फिर जाके उसके पास करवाएंगे काम। तो पहले चलते हैं फटाफट करवाते हैं काम। आज तो जन्माष्टमी का है, मतलब भीड़ बहुत कम है, मतलब बहुत जगह तो वही मूर्ति ही बैठता है ना यहाँ पे, ऑलमोस्ट हर चौक पे एक तरह से बोला जाए तो हर जगह, यलल पट्टी में भी है, दुनार में भी है, और आगे उस साइड भी है, मतलब उसकी हसन चौक साइड आप पढ़ोगे तो उधर भी, मतलब इधर बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत अच्छा क्राउड रहता होगा। और एक इस्कॉन टेम्पल भी है, वहाँ पे भी अच्छे से एकदम डेकोरेट किया जाता है। ये दो तीन जगह है मेनली, तो इधर ही मतलब इधर उधर जो है, मतलब चौक वगैरह पे जहाँ पे जहाँ पे करना रहता है सबको करते हैं अपना। ये देख लो सडन ब्रेक्स। तो अभी गाना वाना, मतलब गाना तो भजन जो बजता है कृष्ण जी का, वो तो अभी बहुत ही ज़्यादा ही अमाउंट में बज रहा है, मेरे मोहल्ले में भी हो रहा है, तो वहाँ पे भी बज रहा है, सुबह से ही अच्छा खासा अमाउंट में गाना बजाया जा रहा है वहाँ पे भजन। तो वही अभी तो फिलहाल चलते हैं, अभी 18 किलोमीटर चल चुका है मेरा बाइक रिजर्व में, पहले जाके फ्यूल डलवाते हैं उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे उधर सर्विस वाले के पास। तो उसको हम कॉल कर दिए थे, भाग यार कैसे चला रहा है यार, उसको कॉल तो कर दिए थे हम कि आ रहे हैं, वो भी था बोला था 11 बजे तक आने को, अभी उसको उधर पूरा काट के चांपती है वैगनार वाला, फिर से पल्सर वाला गिरता गिरते बचा है। हाँ तो उसको 11 बजे का बोला हुआ था, 11 बजे तक बोला हुआ था कि आ जाएंगे, आ जाइए आप, तो 11:30 हो रहा है और अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ा देर लगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगने वाला। तो बढ़ते हैं, यही है दोनार का सीन, और दोनार में ये बना हुआ है ना राइट में पंडाल जो लगा हुआ है वही है, कृष्ण जी का मूर्ति इसी में लगाया जाएगा थोड़ी देर में, या लग चुका होगा हमको आइडिया तो नहीं है, क्योंकि मेरे घर में आज रात में है और बहुत जगह कल रात में ही हो गया, तो इसीलिए कुछ कह नहीं सकते कि कब है नहीं है। तो अभी फिलहाल बढ़ते हैं, देखते होगा तो फ्यूल डलवाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। साउंड का एक चीज़ बढ़िया रहता है कि पीछे बंदा खुद देख लेता है कि कौन इतना हाई लेवल साउंड के साथ आ रहा है, पीछा कर रहा है, डलवा ही लेते हैं, तो उसके बाद फिर निकलते हैं उधर के लिए। Thank you.
ऑलमोस्ट पहुंच गए हम, ऑलमोस्ट क्या पहुंच ही गए, बट लेकिन दुकान खुला हुआ है, चलते हैं फटाफट अंदर ही, डायरेक्ट एंटर किया जाए, यही है दुकान। अब बुलाते हैं मैकेनिक जी, हैं कहाँ? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा मौसम सही होगा, बट लेकिन मौसम और थोड़ा धूपदार हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है हमको, और ये इस जगह पे बैठे हुए हैं वहाँ और लग रहा है, पता नहीं क्यों। और मैकेनिक साहब तो आके दुकान खोल के कहीं चले गए हैं, पता नहीं, अभी तक आए नहीं हैं, हम बुलाया के आ गए, लेकिन हम वहीं पर वेट कर रहे हैं अभी, अब पता नहीं कितने देर में आएंगे, क्योंकि सामान भी इसका लेने जाना है, कुछ कुछ जो भी इसका ख़राब होगा तो उसको भी सही करवाना है, तो इस कारण से जल्दी आएंगे तभी हम लेके जाएंगे और सामान लेके आएंगे, तो आता है तो ठीक है, नहीं तो हम अनुराग को भी कॉल किया, उसको रैम देना है ना, वो जो हम निकाले हैं लैपटॉप से, तो वो आएगा उधर से, तो उसी के स्कूटी से चले जाएंगे और लेके आ जाएंगे, तब तक इधर काम कंप्लीट में भी करेगा या क्या करना है पता नहीं, आने देते हैं, उसके बाद ही फिर डायरेक्टली बात करते हैं, तब तक मेरा बाइक यहीं पर लगा हुआ। अभी तो अनुराग आया था, तो अनुराग के साथ ही आ गए सामान लेने के लिए, यहाँ पे ले लिए हैं, चेन स्पोकेट पूरा लग गया हम लोग को, और फिर पीछे का कपलिंग रबर, ओए रुकना रे कपलिंग रबर, तो और कुछ नहीं लगा, यही दो चीज़ था, वही दोनों चीज़ गए थे लेने, अभी जा रहे हैं दुकान के पास, वो लगाएगा अनुराग, निकल जाएगा घर, हम वहीं पर करवाएँगे अच्छे से सर्विसिंग उससे, और उसके बाद फिर निकलेंगे हम वापस से घर, अभी चलते हैं उसके पास और करवाते हैं सर्विस। मिर्ज़ापुर की जय हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जाके कंप्लीट किया है सर्विसिंग पूरा, और ऑलमोस्ट अभी 12 बजे तक ही हम आए थे, और अभी 3:30 होने वाला है, अभी जाके कंप्लीट किया है पूरा एकदम, टाइम लगाता है, बहुत धीरे धीरे करता है मैकेनिक जो है ये, यहाँ का कुछ नहीं कर सकते, इसका फिर गया टेस्ट करने अभी कि कैसा बना है, आ रहे हैं फिर, अब देखते हैं यहाँ पर फिर से वापस से लगा देगा। इंडिकेटर जो था उसको भी चेंज करवा लिए, पीछे वाला इंडिकेटर फिर से कोई उखाड़ ही दिया था पूरा, उसको पूरा चेंज करवा लिए, वो भी सही हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट सारा कुछ सही करवा दिए बाइक का, जो भी दिक्कत था थोड़ा मोरा, तो बस अभी आता है तो फिर अब चला के निकलेंगे फिर उधर। तो अभी हो गया मेरा पूरा गाड़ी का सर्विस कम्प्लीट, लेकिन वहाँ पे जो बाइक वॉश किया, और यहाँ पे पुलिस पकड़ लिया है बहुत आदमी को, दो आदमी को तो ऐसे पकड़ रहा है, पकड़ते रहिए सबको, हाँ वेरी गुड। तो अभी मेरा बाइक वॉश भी हो गया कंप्लीट, सर्विस भी हो गया कंप्लीट, और अभी थोड़ा सा वो जो है मतलब आगे वाला टायर और पीछे वाला टायर दोनों था ना, वो थोड़ा सा अलाइनमेंट उसका सही नहीं था, तो पूरा नाइन हुआ है सही से, इसलिए हैंडल थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, बट लेकिन वो बोला है कि सही हो जाएगा, और अभी ब्रेक वगैरह भी उतना तगड़ा नहीं लग रहा है जितना पहले लगता था, वो भी मतलब कि कार्बन हटा है ना उसका, उस कारण से ही ऐसा कुछ हो रहा है, और इसको थोड़ा सा अंदर किया जाए अब सही है थोड़ा बाइक चलाने में भी, और आगे वाला भी ब्रेक उतना रिस्पॉन्सिव नहीं लग रहा है, अभी लगेगा, बहुत जगह भी ग्रीस वगैरह किया है ना, और एग्जॉस्ट भी अभी साउंड कर ही रहा है अच्छा, और ये लेफ्ट वाला मेरा पीछे वाला इंडिकेटर जो था वो ख़राब हो गया था, मतलब कि कोई निकाल नोच ही दिया था, तो उस कारण से उसको भी चेंज करवा लिए हम फाइनली, बहुत दिन से पड़ा हुआ था, क्योंकि कॉलेज वॉलेज के चक्कर में अभी कहीं निकल नहीं पा रहे थे, सर्विस भी नहीं करा रहे थे बहुत दिन से, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर हो गया होगा उसके बाद ही हम करवाए हैं सर्विस, जो कि एक सही टाइम होता है 2000 पे करा लेना चाहिए, अभी मेरा गाड़ी का ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गया है, 7 साल हो गया, 2016 में लिया गया था, जो कि यस हाँ तुम आ जाओ, तो वही बात है 7 साल हो गया, चलो अब निकल आगे बढ़ते हैं तो फिर बात करते हैं। अभी तो निकल रहे हैं, थोड़ा सुधांशु आया बैंगलोर से, तो वो भी कॉल किया था कि आओ थोड़ा चलते हैं साथ में, वो भी आ रहा है इधर टावर की तरफ, तो
जा रहे हैं थोड़ा सा पिक करने, क्योंकि कॉल किया था, दो तीन दिन से कॉल कर रहा था, बट लेकिन हम थोड़ा बिजी थे इस कारण से नहीं गए थे साथ में उसके। तो अभी चलते हैं उसको पिक करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं उससे, और उसके बाद फिर उधर ही जाएंगे टावर तरफ, चलेंगे साथ में। चले तुम दोस्त क्या लौंडे होने मत, कट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है मेरा भाई, की सर्विस? तो आज दिन में पूरा सर्विस वगैरह में टाइम मेरा निकला, और अच्छा भी हो गया क्योंकि हमको रिव्यू बनाना है अपने बाइक का खुद का, तो इस कारण से भी गए थे और सर्विस करवा लिए हैं अच्छे से। और सर्विस प्राइस जो था हमको पड़ा है वो मैकेनिक चार्ज ऑलमोस्ट अराउंड 450 मैकेनिक का जो चार्ज था वहाँ लगा है, और वो पूरा मतलब कि चेन स्पोकेट वगैरह सारा कुछ वही लगा है, और फिर रबर भी होता है पीछे वाला वो भी, और वो जो टायर का अलाइनमेंट बोले थे वो भी सही किया, उसमें जो चेंज होता है वो भी चेंज वेंज किया था। तो टोटल वहाँ मेरा खर्चा हो गया था 700 रुपया, मतलब मैकेनिक के पास वही सामान था उसके पास तो वहाँ हो गया, और फिर अराउंड चेन स्पोकेट और फिर कुछ कुछ सामान लिए थे, दो सामान और लिए थे पीछे का, वो जो ब्रेक मतलब रबर होता है वो जो टायर के अंदर वाला जिसका हम नाम अभी भूल रहे हैं वो लिए थे, तो वो अराउंड हमको 1260 का पड़ा था, और 700 रुपये इधर टोटल वही 1960 के करीब पड़ गया था मेरा टोटल चार्ज कल का, मतलब कि पूरा खर्चा हुआ बाइक में सर्विस वगैरह सारा कुछ में और सामान वगैरह चेंज होने में। तो यही था, और सामने सुधांशु भी आ गया था तो उससे भी मिले थे। तो यही था आज के वीडियो में, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।